आज हम आपको लेकर चलते हैं एक क्वारंटाइन सेंटर में और दिखाते हैं वहां का हाल। यह सेंटर है रीवा के जीडीसी कॉलेज में। यहां पर अप्रवासियों का हंगामा लगातार जारी है। पिछले एक माह से छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सरकारें इन्हें लेने से इनकार कर रही हैं। लिहाजा इन्हें एक दिन के लिए कहकर एक महीने के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। अब ये हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं, चाहे उनकी सरकार इन्हें बुलाए या फिर नहीं। कहा जा सकता है इनके ऊपर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ये हाल हो गया अप्रवासियों का। अलग अलग जिलों से आकर रीवा के बॉर्डर में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इन्हें क्वारंटाइन कर पिछले एक महीने से रखा गया है। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कई लोग हैं। प्रशासन ने इन्हें सीमा पर रोककर क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया, लेकिन अब ये यहाँ रहकर तंग आ चुके हैं, खाना पीना छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। इनका कहना है, यहाँ हमारा दम घुट रहा है, घर में बूढ़े माता पिता बच्चे याद कर रहे हैं, हमें छोड़ दो, घुट घुट मरने से अच्छा है पैदल चले जाएंगे। उधर प्रशासन की दलील है, इनके राज्य की सरकारें इन्हें लेने से इनकार कर रही हैं, जिससे यह समस्या आ रही है। इन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन समस्या तो है ही। यह कहना है प्रभाकर तिवारी, रेलवे इंस्पेक्टर का। कहाँ कहाँ से लोग रुके हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं? यहाँ बिहार के हैं, यूपी के हैं और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, एक वेस्ट बंगाल का है। ये मेन घर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी जो एसडीएम मैम से बात हुई है तो यूपी और बिहार वाले ले नहीं रहे हैं इनको, इस वजह से टाइम लग रहा है। जैसे व्यवस्था बनती है इनको छोड़ दिया जाएगा। काफ़ी आक्रोशित हैं, लोगों ने खाना भी छोड़ने की चेतावनी दी और तरह तरह की बातें आ रही हैं। क्या हालात हैं अभी इनके? अभी तो ठीक हैं, अभी 10 मिनट से ही है, अभी तक ठीक हैं, खाए पिए थे दोपहर में, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक वहाँ के लोग लेंगे नहीं यूपी वाले या बिहार वाले, तब तक कैसे भेजेंगे इनको? माना जा सकता है सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल जाने को भी यह अप्रवासी तैयार हैं, लेकिन इनकी भी अनुमति इन्हें नहीं मिलती जा रही है। सुबह शाम इन्हें प्रशासन जरूर भोजन उपलब्ध करा रहा है, इसके अलावा भी इनकी कई समस्याएं हैं, उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। और ये भाई रीवा में आके फंस चुके हैं, यहाँ से छोड़ नहीं रहे हैं, और वहाँ वो लेंगे नहीं, 30 आदमी के लिए वो लोग गाड़ी भेज नहीं सकते, तो कम से कम हम लोगों को यहाँ से छोड़वा दे, जिस सूरत में हम लोग अपने घर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों को दम घुट रहा है, ना खिचड़ी मिल रही है, हम लोग रोटी खाने वाले आदमी, वहाँ बच्चे बीमार हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है घर में, इसलिए यहाँ से जिस सूरत में हम लोगों को निकाला जाए। ना हमें बिहार सरकार से कोई मांग है, ना ही तो एमपी सरकार से मांग है, हमें बस इतनी चाहिए कि हमें यहाँ से छोड़ दिया जाए। अगर वो लोग किराया नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 आदमी को जान मत ले। जब एमपी सरकार ले रहे थे तो वो ट्रेन की मांगे कर रहे थे, अभी ट्रेन तो जा रही है ना, यूपी होके ही निकल रही है ना, उस प्रकार से बस भी निकल सकता है यूपी होके। ये लड़के जो भाग भाग के जा रहे हैं, ऐसे क्या सर यूपी होके नहीं जा रहे हैं? जो भाग के जा रहे हैं वो भी तो जा रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं? सर नियम का पालन कर, और हम लोग नियम को उल्लंघन नहीं किए तो ये सजा मिल रहा है। यही निवेदन है हमसे कि हम लोग घर भेज दिया जाए। किसी से बात किया? हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, छोटा छोटा बाल बच्चा है घर में, बूढ़े माँ बाप हैं, हम लोग बस यहाँ से हम लोग को छोड़ दीजिए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। तब से कह रहे हैं कि जो है आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे कहकर आज 10-11 रोज हो गए, छोड़ नहीं रहे। हम लोग इलाहाबाद से आ रहे थे, राजापुर में रहते थे और जो जा रहे थे बिलासपुर अपना छत्तीसगढ़। कितने लोग हैं सब? हम लोग बच्चों चले के 12 लोग हैं। तो बिहार जा रहे थे तो हम लोग के यहाँ पे लाया गया है सर, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 14 दिन हो गया हम लोग को, 20 तारीख को आए थे और बिहार जाना चाहते हैं हम लोग। कितने लोग हैं? हम 30 लोग हैं सर। हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ खुद बीमार हो रहे हैं सर, मांग कर रही और 30 आदमी के लिए गाड़ी भेज सकते हैं। खाना उना में तो खाना और सब ठीक, हम लोग खुद ऐसे ही बीमार हो रहे हैं, हम लोग सर दर्द और सब कुछ दे रहा, पैर दर्द और सब कुछ दे रहा है सर। और एक लड़का कल गिर गया न, कल हम लोग फोन किए ना एम्बुलेंस और कुछ नहीं आया सर, सब लोग थे और बाकी एक औरत भी है, वो लोग सब लोग को बहुत दिक्कत है सर, हम लोग को न मेडिसिन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। के
पेट में रहते नहीं चाहिए हमको यहाँ से। अब बच्चा को दूध नहीं देता, आज 8 रोज हो गया यहीं रहते रहते, अब क्या करे तुम ही लोग बताओ। 2 पैकेट हो गया कोरोना की। आज की 3 तारीख 1 महीना हो गया है दोनों माँ बेटे को, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है नागपुर जाने, तो करके हमको छोड़ दो यही गंगियों में। हम खिचड़ी खा खा के मार नहीं सकते, और पेट में बच्चा। रहने वाले यहाँ कैसे पहुँचे? लखन खुरिया बड़ा तालाब गंगाओं के आगे है। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।